वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ आरओ हिंदी की और टॉपिक हमारा चल रहा है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले की क्लास में जो है हमने लास्ट दादा को मतलब दादाजी को देखा था जो उसके पर्यायवाची हैं उनको। अभी हम आगे बढ़ेंगे और दानव से स्टार्ट करेंगे। दानव, चलिए तो बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। देखिए दानव के पर्यायवाची देखो, राक्षस, दैत्य, निशाचर, शंबर और असुर। दास के देखिए महत्वपूर्ण है सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचायक और परिचर। दासी के पर्यायवाची देखिए नौकरानी, अनुचरी, बांदी, किंकरी, परिचायिका। मतलब दास का ही स्त्रीलिंग कर दिया है। दामिनी के देखिए चपला, तड़ित, दामिनी मतलब बिजली, पीत प्रभा, चंचला प्रभा, विद्युत भी इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिन के पर्यायवाची देखिए वासर, दिवस, दिवा, अहन और वार। दिनांक के देखिए, दिनांक के पर्यायवाची क्या होते हैं भाई, तारीख, तिथि और मिति। आगे देखो दिखावटी के देखिए बनावटी, नकली, दिखाऊ, आडंबरी और दर्शनी। दिव्य के देखिए लोकोक्तर, यहाँ पे दो ता बने हुए हैं, इसकी वर्तनी देख लेना, लोको यानी लो को छोटा ता, फिर पूरा ता और फिर रा, लोकोक्तर। ठीक, लोकोक्तर, लोकातीत, अलौकिक, स्वर्गिक। दीपावली के देखिए दिवाली, दीपमाला, दीपोत्सव, दीपमालिका और फिर प्रकाशोत्सव, प्रकाश का उत्सव। द्विज के पर्यायवाची देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद। दीन के देखिए दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक और कंगाल। दुख के पर्यायवाची देखिए पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न। दुखी के पर्यायवाची देखिए व्यथित, आर्त, संतत, पीड़ित। दुबला का देखिए दुर्बल, क्रश, निर्बन, तन्वी, क्रशकाय, कमजोर। दुस्तर का देखो अगम्य, विकट, कठिन, औघट। दुर्गा जी के जो है पर्यायवाची बहुत सारे हैं, देख लो इन्हें, चंडिका, सिंहवाहनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी और मीनाक्षी। मीनाक्षी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आ चुका है। मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है, माँ दुर्गा का। मीनाक्षी मतलब मीन धन अक्षी, मीन मतलब हो गया आँखें, मतलब मीन मीन अर्थ हो गया मछली और अच्छी मतलब हो गया आँखें, यानी ऐसी ऐसा कोई जिसकी आँखें मछली की तरह हैं बड़ी बड़ी, तो वो है माँ दुर्गा। आगे देखो, आगे है शक्ति, दुर्गे, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारिणी। इनमें तो देखो सीधे सीधे जो है दुर्गा नाम ही आ रहा है तो ये आप कर लोगे, है ना। यहाँ पे देखो दुर्ग आ गया, ये भी दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, तो इनको किया जा सकता है। ठीक है, अगला है दुर्ग तो दारिणी, दुर्ग निहत्री, दुर्ग मापहा। तो दुर्ग शब्द आ रहा है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा लेना यहाँ भी दुर्ग आया है, यहाँ पर भी दुर्ग है। दुर्गम विद्या, ये भी माँ दुर्गा का हो जाएगा। दुर्ग मार्ग प्रदा, ये भी माँ दुर्गा का हो जाएगा। ठीक है, तो इनको समझना थोड़ा सा आसान है क्योंकि नाम में दुर्ग आ जाएगा। देखिए ये भी दुर्ग आ गया, ये भी दुर्ग आ गया, यहाँ पर भी दुर्ग है, ये भी है। ठीक है, ये भी दुर्ग है, ये भी दुर्ग है। तो अगर किसी राज्य मतलब अगर किसी शब्द में दुर्ग आ रहा है तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वो
माँ दुर्गा का हो सकता है, जैसे दुर्गभ, दुर्गभामा, दुर्गधारिणी, दुर्ग भीमा, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग ध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग महा, दुर्ग मगा, दुर्गया, दुर्ग दैत्य लोक दावानला, है ना, दुर्गम ज्ञानदा, तो ये सब दुर्गे, ये सब जो है आप आसानी से कर पाओगे। दिल के देखिए, हृदय के, हृदय, कलेजा, जिगर, उर, जिगरा, चित्त, जी, मन, अंतःकरण, दुर्जन, देखो दुर्जन के पर्यायवाची, खल, असज्जन, असंतत, दुष्ट, धूर्त, पिशुन, दुर्बोध के देखिए, कठिन, क्लिष्ट, दुरूह, जटिल और गूढ़, और अंतिम देख लीजिए दुर्लभ, दुर्लभ के क्या है, अप्राप्त, दुष्प्राय, अलभ्य, नायब, सॉरी ये नायब नहीं होगा, ये होगा नायाब, सॉरी यही लिखा है, मैंने गलत पढ़ लिया, नायाब लिखा है, नायाब नहीं है, नायाब है जो अमूल्य हो। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो हमारा, साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।